हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन अपनी क्लास में पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, जिसकी 3 क्लासें हो चुकी हैं। आज पढ़ेंगे अपन टाइम एंड वर्क की चौथी क्लास। आई होप आपको तीनों क्लासें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। पहले दिन ए तथा दूसरे दिन बी कार्य करता है। कार्य इसी प्रकार बारी बारी से चलता रहता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसका अपन सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या है, कौन कौन काम कर रहा है? ए और बी। ए कर सकता है 10 दिन में, बी कर सकता है 15 दिन में। अगर टोटल काम निकालें तो कितना आ गया, 30 काम। ये इसकी कैपेसिटी 3, इसकी कैपेसिटी 2। यहाँ तक अपन ने रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया। अगर आपसे पूछा जाता कि दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम कितना है, 30। इनके दोनों की कैपेसिटी कितनी है, 5। तो 30 को किससे डिवाइड करते, 5 से। कितना रिजल्ट आता, 6 डेज, यानी कि 6 दिन रिजल्ट आता। बट उसने ऐसा कहा है कि पहले दिन ए कार्य करता है, दूसरे दिन बी कार्य करता है। इसका कहने का मतलब है, अगर अपना कितना, अगर पूरा 30 काम है, यानी कि कितना कार्य है, 30 वर्क है, तो पहले दिन काम कौन करेगा, ए काम करेगा। और एक कितना काम करेगा, 3 काम। मान लो ये कितना काम हो गया, 3 काम पहले दिन। दूसरे दिन काम कौन करेगा, बी। और बी की कैपेसिटी कितनी है, 2। तो ये हो गया 2 काम। समझ रहे हो इस बात को? यानी कहने का मतलब है, पहले दिन ए काम करेगा, फिर दूसरे दिन कौन काम करेगा, बी काम करेगा। तो मुझे ये बताओ, एक की कैपेसिटी कितनी है, 3। बी की कैपेसिटी कितनी है, 2। समझ रहे हो? तो यहाँ से एक दिन और यहाँ से एक दिन, कुल कितने दिन हो गए? तो आप बोलोगे कुल 2 दिन हो गए। एक दिन यहाँ से, एक दिन यहाँ से। पहले दिन ए ने काम किया, कितना काम किया, 3। दूसरे दिन बी ने काम किया, कितना काम किया, 2। तो टोटल 2 दिन में उन्होंने कितना काम कर लिया, 5 काम कर लिया। तो हमें पता चला कि 2 दिन में कितना काम हुआ, 5 काम। इनसे करवाना कितना है, 30 काम। तो इस 5 को अपन 30 बनाने के लिए किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 की। तो इधर भी अपन किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 की। तो 12 दिन में क्या हो जाएगा, 30 काम कंप्लीट हो जाएगा। ये आ गया अपना क्या, 12 डेज। क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। समझ गए इस बात को? अगर अपन बेसिक से करना चाहें तो पहले दिन किसने किया, ए ने, 3। फिर 3 2 3 2 3 2, ऐसे चलता रहेगा ये काम। तो पहले दिन किसने किया, ए ने, दूसरे दिन बी ने। तो 2 दिन में कितना काम हो गया अपना, 5। ठीक है, अब देखो तीसरे दिन काम कौन करने आ रहा है, ए फिर से। तो फिर से अगर तीसरा दिन, चौथा दिन, यानी कि यहाँ से 2 दिन और लें, तो कितना काम हो गया, 5 काम और हो गया। फिर देखो 10 काम हो गया, फिर यहाँ से 5 15 काम, फिर 20 काम, 25 काम, और कितना, 30 काम। 2 दिन यहाँ से भी कितने, 2 दिन यहाँ से भी कितने, 2 दिन और यहाँ से भी कितने, 2 दिन। लास्ट में, एंड में काम कौन कर रहा है, बी। शुरुआत किसने की है, ए ने। 2 4 6 8 10 12, 12 दिन में कितना काम हो रहा है कंप्लीट, 30 काम कंप्लीट हो रहा है। इस क्वेश्चन को करने का मतलब यही है कि पहले दिन ए काम कर रहा है, दूसरे दिन बी काम कर रहा है। अगर पहले दिन ए ने काम किया, कितना काम किया, 3 काम किया। फिर दूसरे दिन बी काम करेगा, कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। तो टोटल मिला के यहाँ से ए प्लस बी ने 2 दिन में कितना काम कर लिया, 5 काम कर लिया। और अपन ने भी क्या किया है कि 2 दिन के अंदर कितना वर्क हो रहा है, 5 वर्क हो रहा है। समझ रहे हो इस बात को? तो इस 5
पांच काम ही नहीं करवाना, उससे कितना करवाना है, 30 काम करवाना है। तो इस पांच को अपन 30 बनाने के लिए किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 की। तो इधर भी आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से। ये रिजल्ट कितना आ गया, 12। तो अपना आंसर हो गया 12 डेज। अब करते हैं अपन अपना सेकेंड क्वेश्चन। तो देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें कहा गया है कि तीन बंदे हैं, ए बी सी। कौन कौन है, ए बी और कौन है सी। क्रम से 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी तथा तीसरे दिन सी कार्य करता है। इसी प्रकार बारी बारी से कार्य चलता है। तो बताओ कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो अपन सबसे पहले करेंगे, ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है और सी 30 दिन में। तीनों का टोटल काम निकालेंगे, टोटल काम कितना आ जाएगा, 30। यहाँ से रिजल्ट कितना आएगा, 3। यहाँ से कितना आएगा, 2। और यहाँ से रिजल्ट आने वाला है 1। अब अपन को पता चला कि टोटल काम कितना है, 30। इसको कौन कौन करेगा, ए प्लस बी प्लस सी। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो जाता, अगर टोटल काम करवाना है तो कितने दिन में समाप्त होगा। तो 30 काम टोटल है, 3, 2, 5 और 1, 6, 6 की स्पीड से करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 5 दिन में कंप्लीट करेंगे। बट क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि पहले दिन काम करेगा ए, दूसरे दिन करेगा बी और तीसरे दिन करेगा सी। अब मुझे ये बताओ, पहले दिन अगर ए काम करता है तो कितना काम कर रहे हैं, 3। दूसरे दिन कौन काम कर रहे हैं, बी। ये पहला दिन, ये दूसरा दिन और ये तीसरा दिन। पहले दिन ए ने काम किया, 3 काम कंप्लीट किया। दूसरे दिन बी ने काम किया, कितना काम कंप्लीट कर लेगा वो, 2। फिर तीसरे दिन किसने काम किया, सी ने काम किया। तो देखो यहाँ से टोटल कितने दिन लग गए, तो अपन को पता चला कि यहाँ से 3 दिन लग गए। और 3 दिन में कितना वर्क हुआ, तो 3 दिन में हुआ 6 वर्क हो गया। कितना वर्क हो गया, 6 वर्क हो गया। अब देखो अपन को इनसे कितना काम करवाना है, 30 काम। तो इस 6 काम को 30 बनाने के लिए इसकी कितने से मल्टीप्लाई करें, 5 से। तो ये कितना हो गया, यहाँ से 30 वर्क हो गया, यानी कि 30 काम हो गया। अगर आप इधर 5 की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इधर भी कितने की मल्टीप्लाई करो, 5 की। तो यहाँ से टोटल रिजल्ट कितना आएगा, 15 डेज। तो ये अपना आंसर हो जाएगा कि 15 दिन में पूरा काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और ये अपना क्या है, सॉल्यूशन। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं, तीनों का अपन ने टोटल काम निकाला, कैपेसिटी निकाली। पहले दिन किसने काम किया, ए ने। दूसरे दिन किसने काम किया, बी ने। तीसरे दिन किसने काम किया, सी ने। इसका मतलब 3 दिन काम हुआ, 3 दिन में वो कितना काम कर लेंगे, 6 काम कर लेंगे। उनसे करवाना कितना काम है, 30 काम करवाना है। तो इस 6 की मल्टीप्लाई अपन किससे करें कि ये 30 बन जाए, तो 5 के साथ। तो इधर भी 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ की जाएगी, 5 के साथ। तो 15 डेज आ जाएगा, और 15 डेज ही अपना क्या आएगा, आंसर। तो देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ए बी और सी किसी कार्य को क्रम से 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। तो अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन क्या होगा, ए बी और कौन है, सी है। ये कर रहा है 10 दिन में, ये कर रहा है 15 दिन में और सी कर रहा है 30 दिन में। तीनों को कैलकुलेट किया जाए तो कितना एलसीएम आ जाएगा, 30 LCM, यानी कि टोटल काम कितना आ गया, 30। यहाँ से 3, यहाँ से 2 और यहाँ से 1। ये रिजल्ट आ गया अपना। आगे पढ़ो क्वेश्चन को। ए शुरू से लेके अंत तक कार्य करता है। इसका मतलब यानी कि जो भी अपना काम रहा होगा उसमें ए शुरू से लेके कहाँ तक इन्वॉल्व है, एंड तक इन्वॉल्व है। यानी कि ये क्या कर रहा है, जहाँ से कार्य करना प्रारंभ करते हैं वहाँ से लेके जहाँ कार्य खत्म होगा वहाँ तक कार्य करेगा। तथा बी और सी बारी बारी से एक के साथ कार्य करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ए ने कार्य स्टार्ट किया तो पहले दिन इसके साथ कौन काम करेगा, ए प्लस बी। बारी बारी से
फिर दूसरे दिन ए तो कार्य करेगा ही, प्लस में कौन कार्य करेगा, सी कार्य करेगा। ये बात समझ में आ गई आपको कि जो बी और सी है ये एक साथ कार्य नहीं कर रहे हैं। पहले दिन ए के साथ बी कार्य कर रहा है, दूसरे दिन बी ए के साथ सी कार्य कर रहा है। अब देखो, ए बी के साथ भी काम कर रहा है और सी के साथ भी काम कर रहा है, तो पहले दिन कौन कौन काम कर रहा है, ए प्लस बी, दूसरे दिन कौन कौन काम कर रहा है, ए प्लस सी। तो यहाँ से कितने दिन हो गए, तो यहाँ से हो गए 2 days। कितने दिन हो गए, 2 दिन हो गए। अब देखो 2 दिन में हुआ कितना काम, पहले ए के साथ कौन काम कर रहा है, बी, तो ए की कैपेसिटी 3 प्लस बी की कैपेसिटी 2। फिर यहाँ से ए की कैपेसिटी 3 और सी की कैपेसिटी 1। पहले दिन काम होगा तो टोटल काम होगा 5। समझ गए इस बात को, ए और बी करेंगे और ए और बी दोनों मिलके कितना काम कर सकते हैं एक दिन में, 5 काम। फिर सेकेंड दिन ए और सी काम करेंगे और ए और सी काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 4 काम करेंगे। अगर यहाँ से अपन ये देखें कि 2 दिन में टोटल कितना काम हुआ, तो 9 वर्क हो गया। कितना हो गया, 9 वर्क कंप्लीट हो गया। इसका मतलब 2 दिन में, 2 दिन में कितना काम हो गया, वहाँ से 9 वर्क हो गया। समझ रहे हो इस बात को। अब देखो इनसे 9 काम की अपेक्षा कितना करवाना है, 30 काम करवाना है, तो इस 9 से अपन 30 तक पहुंचना चाहेंगे। तो देखो अगर इसकी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18 बना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 बना, 4 से करेंगे तो 36 बन जाएगा, जो इस 30 काम से क्या है, एक्स्ट्रा है। इसलिए अपन ने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये टोटल रिजल्ट बना 27। अगर आप इधर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इधर भी आप कितने से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये रिजल्ट कितना बनेगा, 6 दिन। यहाँ से 6 दिन में कितना काम हो चुका है, कितना काम हो चुका है, 27 काम। आप देखो 6 दिन लगे हैं उनको करने में, तो ध्यान से सुनना, अगर 6 दिन लग रहे हैं तो पहले दिन किसने काम किया, ए प्लस बी ने, दूसरे दिन किसने, ए प्लस सी, तीसरे दिन ए प्लस बी, चौथे दिन ए प्लस सी और पांचवे दिन ए प्लस बी, छठे दिन ए प्लस सी। यानी कि पहले दिन ए प्लस बी ने किया, फिर ए प्लस सी, ए प्लस बी, ए प्लस सी, ए प्लस बी और ए प्लस सी, इन्होंने काम किया। तो लास्ट छठे दिन काम किसने किया है, ए प्लस सी ने काम किया है। तो अब 7वें दिन काम करने कौन आएगा, तो आप बोलोगे कि 7वें दिन काम करने आएगा ए प्लस बी। समझ रहे हो इस बात को कि 7वें दिन कौन काम करने के लिए आएगा, ए प्लस बी, क्योंकि छठे दिन तक किसने काम किया है, ए प्लस सी ने, तो 7वें दिन कौन करेगा, ए प्लस बी काम करेंगे। अब देखो टोटल काम अपना 30 था, इसमें से अपन ने कितना कंप्लीट कर लिया, 27 कर लिया, तो कितना शेष रहा, 3 काम शेष रहा। इस 3 काम को कौन करेगा, ए प्लस बी, और ए प्लस बी की कैपेसिटी कितनी है, 5, तो इस 3 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3/5, तो ये टाइम आ गया। प्लस पहले उनको कितने दिन लगे थे, 6, तो कितना रिजल्ट आ जाएगा अपना, देखो पहले कितने लग गए, 6 दिन, 6 प्लस 3/5 लिख सकते हो, या फिर इसको डायरेक्ट 6 से ही 3/5 days भी आप लिख सकते हो। और ये क्या है अपना आंसर है, देखो इसका और इसका दोनों का रिजल्ट क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, एक बार दोबारा देखिए। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि ए बी और सी तीनों अलग अलग कार्य कर रहे हैं, अपन ने टोटल वर्क निकाल लिया, उनकी एफिशिएंसी निकाल ली, कैपेसिटी निकाल ली। फिर अगले ने क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि जो ए है वो शुरू से लेके, यानी कि कार्य जहाँ प्रारंभ होता है वहाँ से लेके एंड तक कौन इन्वॉल्व है, ए तो इन्वॉल्व है ही है, प्लस में क्या है, जो बी और सी है ये क्या करते हैं, एक के साथ काम करते हैं और बारी बारी से काम करते हैं। यानी कि पहले दिन अगर एक काम कर रहा है तो इसके साथ कौन काम करेगा, बी, फिर अगर सेकेंड दिन की बात करें तो एक के साथ कौन काम करेगा, सी काम करेगा। तो अपन को पता चला यहाँ से कि पहले दिन क्या,
ए प्लस बी काम करेंगे और टोटल काम कितना करेंगे, 5। फिर दूसरे दिन ए प्लस सी काम करेंगे, कितना काम करेंगे, 4 काम करेंगे। इसका मतलब 2 दिन में कितना काम कंप्लीट हो चुका है, 9 काम कंप्लीट हो चुका है। अगर 2 दिन में 9 काम कंप्लीट हो चुका है और इनसे करवाना कितना है, 30, तो अपन ने 9 के साथ कितने की मल्टीप्लाई की, 3 की, कितना रिजल्ट बना, 27। इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना रिजल्ट बनेगा, 6। अब आगे चलते हैं। टोटल काम था 30, उसमें से 27 कंप्लीट हो गया, कितना शेष रहा, 3। अब 6 दिन कंप्लीट हो गए तो 7वें दिन काम करने कौन आएगा, ए प्लस बी काम करने के लिए आएंगे। तो ए प्लस बी की कैपेसिटी कितनी है, 5। काम कितना शेष रहा, 3। 3 को किससे डिवाइड करोगे, 5 से। तो ये आ गया अपना 7वें दिन का काम, और 6 दिन पहले से लग गए, तो इसको अपन कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, 6 से ही 3/5 दिन, और यही क्या है अपना सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन फाइंड आउट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए बी सी किसी कार्य को क्रम से 10, 15 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है तथा प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी भी एक के साथ कार्य करते हैं, तो बताओ कार्य कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो अपन पहले सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं, तो यहाँ से ए बी और सी कितना रिजल्ट है, 10, 15 और 30। टोटल रिजल्ट निकाला, कितना निकला, 30, यानी कि 30 काम उनसे करवाना है। आगे चलते हैं, यहाँ से 3, यहाँ से 2 और यहाँ से 1। ए की एफिशिएंसी आ गई 3, बी की एफिशिएंसी 2 और सी की एफिशिएंसी 1। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, यानी कि टोटल काम अपना कितना है, 30 है। इसमें शुरू से लेके एंड तक कौन इन्वॉल्व है, ए। ए तो कंप्लीट करेगा ही, शुरू से लेके एंड तक कार्य को करेगा। प्लस तथा प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी भी एक के साथ कार्य करते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि ये दोनों अलग-अलग कार्य कर रहे थे एक के साथ, इसमें क्या है, दूसरे दिन बी और सी भी कार्य करते हैं। तो बड़ा ही सिंपल है, देखो पहले दिन काम कौन करेगा, एक काम करेगा। एक कितना काम कर लेगा, 3 काम कर लेगा। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरे दिन एक के साथ कौन कौन काम करेंगे, बी प्लस सी भी काम करेंगे। ये क्वेश्चन में बोला गया है कि ए शुरू से लेके एंड तक कार्य कर रहा है तथा जो बी और सी है ये एक दिन छोड़ के एक दिन कार्य कर रहे हैं, यानी कि पहले दिन अगर ए ने काम कर लिया तो दूसरे दिन ये 7 काम करेंगे, तीसरे दिन ये नहीं करेंगे और चौथे दिन ये इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो दूसरे दिन कौन काम कर रहा है, तीनों मिलके काम करेंगे, और तीनों मिलके काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 6 काम कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें पता चला कि यहाँ से टोटल 2 दिन में, कितने दिन में, 2 दिन में कितना काम हो गया, 9 काम कंप्लीट हो गया। 9 वर्क क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। हमें पता चला कि 2 दिन में कितना काम कंप्लीट हुआ, 9। इनसे करवाना कितना है, 30 काम, तो इस 9 को अपन 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाता है, 27। तो इधर भी आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना रिजल्ट बना, 6। यानी कि 6 दिन में कितना काम हो चुका है, 27 काम हो चुका है। पहले दिन ए ने, दूसरे दिन तीनों ने, 2 दिन में, तीसरे दिन ए करेगा, चौथे दिन दोनों मिलके करेंगे, 5वें दिन ए करेगा, छठे दिन तीनों मिलके करेंगे। अब आएगी 7वें दिन की बारी, कौन से की, तो इसमें एक ऐड करते हैं, कितना दिन हो गया, 7। तो देखो यहाँ से ध्यान से सुनना आप, क्या बोल रहा है ये कि 7वें दिन कौन काम करने आएगा, ओनली फॉर एक काम करने के लिए आएगा। और ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो ए एक दिन में कर रहा है 3 काम, कितना काम कंप्लीट हो गया, 30। तो 7 दिन में कितना रिजल्ट बना, 30। तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा, 7 दिन में टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। आगे बात समझ में। उसने ऐसा कहा है
कि ए बी और सी तीनों अलग अलग कार्य कर रहे हैं, ठीक है, इनका टोटल काम निकाला कितना आया, 30, तीनों की कैपेसिटी निकाल ली। उसने कहा है कि ए शुरू से लेके अंत तक कार्य करता है, ठीक है, फिर प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी भी ए के साथ कार्य करते हैं। ए अकेला पहले दिन काम करेगा तो कितना काम कंप्लीट करेगा, 3। दूसरे दिन कौन साथ में आ जाएंगे, बी प्लस सी, तो कितना, 2 और 1 3, टोटल काम कितना करेंगे, 6। अब हमें पता चला कि इन 2 दिन में कितना काम कंप्लीट हो रहा है, 9 काम कंप्लीट हो रहा है, तो 2 दिन में कितना काम कंप्लीट हुआ, 9। उनसे करवाना कितना है, 30 काम, तो 9 की मल्टीप्लाई अपन ने 3 से किए, 27 बना। इधर भी 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना बनेगा, 6 बनेगा। अब देखो 6 दिन कंप्लीट हो गए, 7वें दिन कौन सा है, कौन काम करने के लिए आएगा, एक काम करने के लिए आएगा, और एक की कैपेसिटी कितनी है, 3, तो यानी कि 27 में 3 ऐड करोगे कितना काम हो जाएगा, 30, और 6 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 7, तो 7 दिन में क्या हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपसे इसमें ऐसे पूछ ले कि कार्य किसने समाप्त किया, कार्य किसने समाप्त किया, ठीक है, तो किसने समाप्त किया, ए ने समाप्त किया, वो तो क्वेश्चन में दे ही रखा है कि ए शुरू से लेके एंड तक कार्य करता है। बस इतना है कि लास्ट में जब कार्य कंप्लीट हो तो बी और सी भी इन्वॉल्व हैं क्या, नहीं है, कौन है, ओनली फॉर ए ही इन्वॉल्व है। तो अपन करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या बोला गया है कि ए बी सी किसी काम को क्रम से 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। तो अपन पहले सबसे पहले ये फाउंड आउट कर लेंगे कि ए बी सी का रिजल्ट कितना है, 12, 15 और कितना है, 20, टोटल काम 60, यहाँ से रिजल्ट 5, यहाँ से 4 और यहाँ से कितना आ जाएगा, 3, ये इतना रिजल्ट आ गया। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, ठीक है, तथा प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी भी एक के साथ कार्य करते हैं। इसका मतलब जो जितना 60 काम है इसमें ए तो शुरू से लेके अंत तक काम करता है, और जो बी और सी है ये तीसरे दिन आते हैं कार्य करने के लिए। इसका मतलब पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन भी ए काम करेगा, और तीसरे दिन बी और सी आ जाएंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी रिजल्ट अपना आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, पहले दिन एक काम कर रहा है, 5 काम करेगा, दूसरे दिन भी 5, और तीसरे दिन तीनों का इन्वॉल्व हो जाएगा, तो 5 4 9, 9 3 कितना हो जाएगा, 12 काम कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें पता चला एक दिन यहाँ लगा, दूसरा दिन यहाँ, और तीसरा दिन यहाँ, 3 दिन में कितना काम कंप्लीट हुआ ये निकालेंगे अपन। तो 3 दिन में कितना काम कंप्लीट हो रहा है, 5 प्लस 5 प्लस 12, तो टोटल काम कितना हो गया, 22 वर्क हो गया, कितना वर्क हो गया, 22 काम हो गया। अब देखो इस 22 की मल्टीप्लाई अगर अपन किससे करें, 3 से कर देंगे तो वो 66 बनेगा, जो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा, तो इसलिए अपन करते हैं 22 की मल्टीप्लाई 2 से, तो कितना काम हो जाएगा, 44 काम। इधर भी 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना डेज आ जाएंगे, 6 डेज आ जाएंगे, 6 डेज में कितना काम हो गया, 44 काम कंप्लीट हो चुका है। अब देखो 6 दिन का मतलब क्या हुआ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 5 6, यानी कि छठे दिन किसने काम किया था, ए प्लस बी प्लस सी ने काम किया था, तो 7वें और 8वें दिन काम कौन करेगा, कौन काम करेगा, ए काम करेगा, तो इसमें अपन 2 जोड़ देते हैं, तो यहाँ से कितने डेज हो गए, 8 डेज हो गए, और 8 डेज में कितना काम और कंप्लीट हो जाएगा, 10 काम कंप्लीट और हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल वर्क, 54 वर्क हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई, क्या रिजल्ट आएगा कि 6 दिन में 44 काम हो रहा है, 7वें और 8वें दिन कौन काम करेगा, ओनली फॉर एक काम करेगा, तो ए एक दिन में कितना करता है, 5, तो 2 दिन में कितना कर लेगा, 10, तो 8 दिन में कितना काम कंप्लीट हो जाएगा,
54 काम कंप्लीट हो जाएगा। टोटल काम है 60, 54 कर लिया, कितना शेष रहा? 6, 6 शेष रहने वाला है। और चाहे जो ही 9वां दिन आएगा, यानी कि 8 दिन कंप्लीट हो गए, 54 काम कंप्लीट हो गया, कितना काम बचा? 6, इसको कौन करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी, तो 6/12 आएगा रिजल्ट। क्या आएगा? 6/12। तो इसको कैलकुलेट करोगे, 8 दिन यहाँ से प्लस 1/2 इसको काटोगे तो कितना आएगा? 1/2। तो यहाँ से रिजल्ट 1/2, और इसको पूरा कंप्लीट फाइंड आउट करोगे तो रिजल्ट बनेगा 8/1/2 दिन। कितना बनेगा? 8/1/2 दिन। देखो एक बार कंप्लीट दोबारा देखना। उसने कहा है कि जो ए बी और सी है, ये किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अपन ने तीनों की कैपेसिटी निकाल ली। उसने कहा है कि ए से लेके, ए क्या कर रहा है? शुरू से लेके एंड तक कार्य कर रहा है। अपन ने ए से शुरू से लेके एंड तक कार्य करवाएंगे, तथा प्रत्येक तीसरे दिन, यानी कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। तीसरे दिन क्या होता है कि बी और सी भी क्या करते हैं? एक के साथ कार्य करते हैं। तो यहाँ से ए अकेला पहले दिन काम करेगा 5, बी अकेला दूसरे दिन काम करेगा 5, और तीसरे दिन तीनों मिलके करेंगे तो कितना काम करेंगे? 12। अपन को पता चला कि 3 दिन में कितना काम हुआ? 22 काम कंप्लीट हुआ। तो यहाँ से 6 दिन, इसको 44 बनाया तो 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दिन में कितना काम कंप्लीट हो जाएगा? 44। 6 दिन कंप्लीट हो गए। 7वें दिन भी एक काम करेगा, 8वें दिन भी एक काम करेगा। तो यहाँ से 2 दिन और जोड़ेंगे तो कितना काम कंप्लीट हो जाएगा? 54 काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 8 दिन में कितना काम हो गया? 54 काम कंप्लीट हो गया। अब 9वें दिन कौन काम करेंगे? तीनों मिलके काम करेंगे। तो 8 दिन कंप्लीट, 9वें दिन 6 काम शेष रहा। इनकी इफिशियंसी कितनी है? टोटल 12। इसको काटोगे कितना रिजल्ट बनेगा? 1/2। तो रिजल्ट आया 8+1/2, यानी कि 8/1/2 दिन। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास। थैंक्स।